एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी पायल एंड आई होप यू ऑल आर वेल। सो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको बोल सकूँ वेलकम बैक। तो बाकी यार, हम जा रहे हैं मुंबई। मैंने बताना तो नहीं था बट थंबनेल से वैसे पता चल ही गया होगा हम क्यों जा रहे हैं बाबा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो अभी हम हो रहे हैं रेडी, हमारी जो ट्रेन है वो है 11:30 पे। अभी 9 बज रहे हैं तो अभी हमें जस्ट निकलना है थोड़ी देर में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मुंबई जा रही हूँ। तो वो भी रेडी हो रही है, बोलेगी कुछ? हेलो। बस अभी बिजी। मैं, दी और पापा जा रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बता भी नहीं सकती, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो अभी बाकी बातें हम बाद में करेंगे, तो मैं रेडी होती हूँ तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, वरना हम लेट हो जाएंगे। गाइस, हम हो गए रेडी और हमने ऐसे सोचा था कि हम सामान ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मतलब यार मज़े करने जा रहे हैं तो इतना सारा, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा हो गए। तो अभी हम रेडी हो गए तो अब बस निकलना है थोड़ी देर में। जीजू थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए तो वही हमें ड्रॉप करेंगे। तो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली यार बढ़ेगी। तो यार प्रॉब्लम हमें लेकिन थोड़ी सी हो गई, ट्रेन की टिकट्स हमें चॉइस की नहीं मिली हमें जो चाहिए थी, क्योंकि पापा ने इतनी लेट बुकिंग करवाई है ना, ऑब्वियसली लेट बुकिंग करवाएंगे तो मिलेगी क्या। और इधर से तो फिर भी हमें एटलीस्ट स्लीपर क्लास में मिल गई, उधर से आते वक्त हमें मिली ही नहीं। और हमें वो जो क्या बोलते हैं, वो सीट वाली होती है ना, पता नहीं लोगों को वो पसंद होती है बट मुझे वो पसंद नहीं, मुझे लेट के आना था आराम से, बट उधर से हमें वो मिल गई। और वो भी हमें दिल्ली तक मिली है क्योंकि जो डायरेक्ट थी उसमें नहीं मिली, पता नहीं क्या यार, मतलब मिल रही थी लेकिन आगे पीछे। आज भी हमें साथ में नहीं मिली, आगे पीछे मिली, लाइक बीच में कोई और भी बैठेगा तो क्या कर सकते हैं यार। तो चलो जो भी है छोड़ो यार, पहुंचना ही है और पहुंच जाएंगे। तो अभी हम रेडी वगैरह हो गए तो वहाँ पर सुना है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सुना क्या है उधर मॉडरेट ही होता है, तो वहाँ के लिए मैंने हो गए। तो अब चलते हैं यार, तो चलो। सो हम गाइड जा रहे हैं एंड हियर इज शी, ये जहाँ मैं वहाँ ये ऑफिस मुझे खेद देंगे तो यार एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है मुझे। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, माता वैष्णो देवी कटरा से आने वाली पठानकोट से लुधियाना में कोई अपना सामान छोड़ गया है। हाय गाइस, हम पहुंच गए, अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी तो हम वहाँ से निकल लेंगे। अभी एक घंटा है ट्रेन को आने में तो हमें वेट करना पड़ेगा काफ़ी। तो ये ट्रेन आ गई हमारी, नहीं किसी और, हमारी ट्रेन जो है वो 11:30 पे आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं यार, उतना ज़्यादा रश भी नहीं है चाहे तो यहाँ पे, बाकी क्या हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। बन के ट्रेन का वेट करते करते हमारी बुरी हालत हो गई और ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही है, और इसको भी अपना कुखड़ा दिखाना है। तो यार काफ़ी जल्दी आए थे हम, इतने जल्दी नहीं आना चाहिए बट फर्स्ट टाइम था तो सोचा क्यों चांस लेना हम जल्दी, इतने भी जल्दी नहीं आए थे, थोड़ा सा पहले तो आना ही चाहिए, अरे आधा घंटा पहले आना चाहिए ना, मुझे नहीं लगा ज़्यादा वेट किया हमने, अभी आ जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वॉमिटिंग टाइप आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं पहली बंदी ना हो जिसे ट्रेन में उल्टी आ गई। मूड मेरा भी ख़राब था लेकिन मेरा शाम से ख़राब था, मुझे कहीं जाना होता है ना तो फिर तो होता है। सेम ईयर मेरा भी यही हाल है, उस सुबह एक चपाती खाई है बस, तूने इसमें 3। ऑफ कोर्स यार ट्रेन का खाना, ओह मुझे तो ट्रेन में खाना भी नहीं था। चलो शायद हमारी गाड़ी आ गई, नहीं नहीं अभी नहीं, माल गाड़ी आ रही है, माल को लेगी, रद्दी माल को लेगी। शट अप, ये आ रही है शांति दीदी को लेने, लेकिन ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चली गई।
बैठी हुई है ये मजे में। भूतनी भूतनी आवाज़ ही बहुत है, तो क्या ही बनाऊँ। सच बोलूँ तो मेरी हालत अभी से खराब हो गई है, तो अभी तो आगे कितना ट्रैवल करना है। बोल रही है अभी लो है तो इसलिए बनाया नहीं जा रहा, बाद में हम ठीक हो जाएंगे। हाथ गाठ हो तो शायद दीदी जैसे हो, वरना हो ही ना। ठाठ बाट हो तो तेरी तरह हो, वरना ठाठ बाट हो ही ना। लेटी कैसे है? ये फिट नहीं आ रही, मैं सोच रही मेरा क्या होगा। तेरे फोन में ना फ्रंट अच्छा है ना, बैक आई थिंक इतना अच्छा नहीं है। मेरे फ़ोन का बैक अच्छा है, इसके फ़ोन का फ्रंट अच्छा है, इसके दोनों बनाने के लिए। यार अभी हम पहुँचे हैं अम्बाला, पता नहीं कब पहुँचेंगे दिल्ली और कब पहुँचेंगे हम। शो देखे उनकी लिखा था नहीं, तो अब पता नहीं कब जाएंगे। ट्रेन में शोर ही बड़ा, व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है। अभी रुकी हुई इसलिए मैं बना पा रही हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा शोर है। ये देखो कुंभकर्ण सोता भी था और खाता ये सोने के बाद उठा है और खा रहा है। मैंने कहा ये कुंभकर्ण सोने के बाद उठा है और अब खा रहा है। वैसे हम भालू की थी मोदन की कोई असर उसमें होता है ना, क्या मैंने बोला बिल्कुल टेस्ट नहीं, मुझे पानी मत लाना। अच्छी कुछ आसान बात, अच्छा 7000 रुपए लिया था। पहुंच के पानी पर एक तो लाइट पड़ रही है ऊपर, पहुंच के पानी पर अभी बज रहे हैं 7, गरम गरम खाना। 9:30 तक हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। अरे वॉइस नंबर रहेगा पानी पर, बहुत सारा खाना पाड़ के एकदम मजे से। अब तो मैंने मार्केट घूमना था, बट पापा होटल में वेट कर रहे थे, बोल रहे थे पहले खाना।